हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। तो इंडिया बोल दिया 2028 में जो क्लाइमेट मीट होगा वो इंडिया करना चाहता है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम फ्रेश कमिटमेंट्स टू कंटेन ग्लोबल टेम्परेचर राइज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस एट COP28 ऑफर टू होस्ट द 33rd एडिशन ऑफ द एनुअल क्लाइमेट समिट ड्यू इन 2028 इन इंडिया। ही सेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज ऑट टू बी वेकेटिंग द कार्बन स्पेस बिफोर 2050 एंड मेड अ पिच फॉर कंट्रीज टू ज्वाइन इंडिया ऑन इट्स ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इंडिया का है, विच वॉज अ नॉन कमर्शियल एफर्ट्स टू क्रिएट अ कार्बन सिंक। अ प्रपोजल टू होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अदर सिग्नेटरीज इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC के जब ये लोग अदर सिग्नेटरीज इसको अप्रूव करेंगे तब इंडिया में हो पाएगा। इंडिया हैड प्रीवियसली होस्टेड द समिट इन 2002। अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड नेचर, बट द एंटायर ह्यूमैनिटी इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ इट, स्पेशली द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। द सेल्फिशनेस ऑफ अ फ्यू विल लीड द वर्ल्ड इन टू डार्कनेस, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ बट फॉर एंटायर वर्ल्ड। ही सेड एट द हाई लेवल सेगमेंट्स ऑफ द समिट दैट सॉ लीडर एंड हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम सेवरल कंट्रीज मेक स्टेटमेंट ऑन देयर रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। दो मिस्टर मोदी डिस्क्राइब ग्रीन क्रेडिट स्कीम एज अ नॉन कमर्शियल। तो ग्रीन क्रेडिट स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ नोटिफिकेशन बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर लास्ट अक्टूबर आउटलाइनिंग द स्कीम डिस्क्राइब एज इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज वॉलेंटरी एनवायरमेंटल एक्शन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर बाई वेरियस स्टेक होल्डर लाइक इंडिविजुअल कम्युनिटीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। द ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट स्कीम रेफरेंस्ड ऑन फ्राइडे एक्सपेक्ट टू जनरेट क्रेडिट फॉर प्लांटेशन ऑन वेस्ट और डिग्रेडेड लैंड्स एंड रिवर कैचमेंट एरिया टू रिजुनुवेट एंड रिवाइव नेचुरल इको सिस्टम। मिस्टर मोदी हु इज पार्ट ऑफ एटलीस्ट थ्री पब्लिक एंगेजमेंट्स ऑन हिज वन डे विजिट underline India's commitment made at Glasgow in COP26 of cutting emission intensity of India's GDP by 45% and increasing the share of non-fossil fuel to 50% by 2030 and achieving net zero by 2070. He welcomed the approval of loss and damage fund by COP28. So loss and damage fund हमने देख लिया, together which has so far been financially commitments worth at least $500 million at something that has raised the hopes of all. Welcoming $30 billion climate change in climate investment fund announced by COP host UAE on Friday, Mr. Modi said countries must finalize a new target on climate finance called the New Collective Qualified Goals NCQG. This referred to ongoing negotiation on the new climate finance commitments that developed countries must make to developing countries to accelerate the world transition away from fossil fuel. The initial goal set in 2009 was to transfer nearly $100 billion a year to developing countries via Green Climate Fund. Only a small fraction of this tranche was actually realized, and $100 billion commitment is set to expire in 2025. Mr. Modi reiterated the new financial target should not mean developed countries forget their commitments to GCF and Adaptation Fund set up in 2001. तो GCF आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया। ये जो नया है उसका मतलब साफ याद दिलाई, जो नया पैसा तुम दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं जो पुराना देना है उसको भूल जाओगे, उसको भी दो। Which has so far raised money worth $800 million to create infrastructure in developing countries that will protect them from climate shocks. Multilateral Development Banks MDB should work to ensure the affordable finance is made available to developing countries, and developed countries should eliminate their carbon footprint before 2050. Mr. Modi demonstrated vision of COP28 by outlining crucial mechanism of global collaboration through the Green Credit Initiative. Now the invitation has been sent out to world for global cooperation on it. The re-emphasis on sustainable lifestyle as in Glasgow is a call for environmentally conscious living, said Arunabha Ghosh, COE, Council of Energy, CQ. अब इम्पोर्टेंट देख लो क्या क्या है। अगर हम लोग इम्पोर्टेंट लिखना चाहें
तो लिखना तो चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। तो किधर गया, ठीक है। सबसे पहले COP28 कहाँ हो रहा है? दुबई में, ठीक है। COP33 कहाँ की बात हो गई है? इंडिया ने प्रपोजल दिया है, इंडिया में होगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड बन गया है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आज आर्टिकल बनाया है, देखिए। और अब देखिए, UNFCCC के जब तक सिग्नेटरीज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये इंडिया में कैसे होगा? तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंडिया में होने के लिए। लास्ट इंडिया में कब हुआ था? 2002 में इंडिया में हुआ था, ठीक है। ये हो गया रूथलेस एक्सप्लॉइटेड नेचर, ग्लोबल साउथ, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो बात हुई है, मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम बोला है, नॉन कमर्शियल, ठीक है। फिफ्थ, ग्रीन क्रेडिट स्कीम को नॉन कमर्शियल बोला है किसने? मोदी जी ने। और इनवाइट किया है, इनवाइटेड अदर्स टू टेक पार्ट इन ग्रीन क्रेडिट स्कीम इनिशिएटिव, ठीक है। और ये है क्या? इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी क्लाइमेट एक्शन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर, ठीक है। क्या है ये, क्या करेगा? इंसेंटिवाइज किसको? क्लाइमेट। अब देखिए, किसको? क्लाइमेट एक्शंस को, इंसेंटिवाइज वॉलेंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन। तो क्लाइमेट चेंज को जो एड्रेस कर रहा है, और वॉलेंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस को जो अलग अलग सेक्टर्स कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट लगा के कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट कम करके कर रहे हैं, चाहे वो जैसे भी कर रहे हैं, रिवर को ठीक कर रहे हैं, रिजनोवेट कर रहे हैं, एक आप देखिए क्या कह रहे हैं इसको, ग्रीन क्रेडिट रिवाइव कर रहे हैं, नेचुरल इकोसिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं, नेचुरल इको सिस्टम को। तो इन सबको इंसेंटिवाइज करने वाला स्कीम ही आपका ग्रीन क्रेडिट स्कीम है, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब देखिए, उसके बाद से गैस ग्लो में इंडिया ने अपना वापस से वो किया, नेट जीरो इंडिया का है कि COP26 गैस ग्लासगो में हुआ था, सिक्स्थ COP26 ग्लासगो में हुआ था। इंडिया ने क्या बोला है कि 2070 तक नेट जीरो इंडिया करेगा, ठीक है। और अब देखिए, 2030 तक 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल करेगा, 2030 तक 50% नॉन फॉसिल फ्यूल करेगा, ठीक है। ये एक हो गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और $500, ठीक है। अब आप देखिए, NCQT न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स रखा है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, और ग्रीन क्लाइमेट फंड में देना था और एडेप्टेशन फंड में देना था। बोला था ग्रीन क्लाइमेट फंड, मोदी जी ने बोला है ग्रीन क्लाइमेट फंड और अडेप्टेशन फंड, है ना, यही है ग्रीन अडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड और अडेप्टेशन फंड, डोंट फॉरगेट दिस। ये भी पैसा देना है, इन्होंने ये भी बात कर दी, ठीक है।
और डेमोन्स्ट्रेटेड विजन ऑफ सीओपी बाय क्रूशियल मैकेनिज्म ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, और इसका इन्होंने एक रख दिया आपका ग्रीन क्रेडिट। इनिशिएटिव है आपका, इसका विजन ऑफ सीओपी 28 इन्होंने बताया। सेंट आउट वर्ल्ड फॉर ग्लोबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इन्होंने बोला है होना चाहिए। उसका क्या है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, तो यहाँ पे लाइफ जो है आपका, और इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे यूज में आएगा। तो इस आर्टिकल में ये सारी चीजें बताई गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैक्ट्स इसमें याद रखने हैं, प्री में मेंस में लिखने के काम आएंगे। तो इतना ही था, थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।